यार्ड। वायर्ड ईयरफोन्स आर दी मोस्ट यूजेबल एंड प्रैक्टिकल ईयरफोन्स, जहां आपको वाइड रेंज ऑफ यूजेस मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको गेमिंग करनी है जिसमें आपको थोड़ी सी भी लेटेंसी नहीं चाहिए और अच्छी म्यूजिक सुनना चाहते हो, अच्छी बेस साउंड क्वालिटी मिल जाए, नॉइस कैंसिलेशन होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है एक बेस्ट वायर्ड ईयरफोन को सिलेक्ट करने में। तो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल, स्वागत है आप लोग का टेक्स्ट ट्रैक के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉप फॉर बेस्ट बजट वायर्ड ईयरफोन्स अंडर 2000 रुपीज। आज की इस वीडियो पर मैं 500 से लेकर के 2000 रुपए तक में 4 जबरदस्त वायर्ड ईयरफोन को ऐड किया हूं, जिसे आप अपने लिए परचेज कर सकते हो और इसमें आप लोगों को बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन, गेमिंग के लिए सब कुछ मिलने वाला है, जिसे आप वैल्यू फॉर मनी वायर्ड ईयरफोन्स कह सकते हो। इस टॉपिक पे मैं कुछ दिनों पहले भी एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जाता है Xiaomi Mi वायर्ड ईयरफोन्स अंडर 500 रुपीज। इस वायर्ड ईयरफोन में सबसे पहले आप लोगों को एक्स्ट्रा ईयर ट्यूब्स देखने को मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है। लुक एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो पैसे के हिसाब से इस ईयरफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त दी गई है। डिजाइन थोड़ी सी कर्व आपको देखने को मिलने वाली है, जिस वजह से आपके ये कानों में कंफर्टेबली फिट हो जाता है और आपके कानों से ये वायर्ड ईयरफोन नहीं निकलता है। टेंगल फ्री वायर देखने को मिलने वाली है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही जबरदस्त दी गई है। कंट्रोलर दिया गया है जिसके साथ आप लोगों को माइक भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी दिया गया है, जिससे कि ये होगा कि अगर आप किसी से कॉल पे बात करते हो तो आपकी तरफ की थोड़ी सी भी नॉइस सामने वाले को नहीं जाने वाली है। एल शेप की गोल्ड जैक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, जो हर एक डिवाइस में सपोर्ट भी ले लेती है। म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर ईयरफोन में, तो वो इसमें आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। हाई पंची बेस मिल जाएगा, क्लियर क्रिस्टल साउंड क्वालिटी मिलने वाला है, जिससे कि आप लोग छोटी से छोटी चीजों को भी इजिली सुन सकते हो। तो 500 के बजट में बेस्ट साउंड क्वालिटी, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट फॉर गेमिंग, इससे अच्छी ईयरफोन्स आपको शायद ही कहीं देखने को मिलने वाली है। तो ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है और इसकी बेस्ट पैकिंग लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसके प्राइस को चेक कर सकते हो और बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो। बात करते हैं अपने सेकंड वायर्ड ईयरफोन के बारे में, लेकिन इससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार तू? वीडियो को लाइक कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके अपने चैनल को और ग्रो करने के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड ईयरफोन के बारे में, जिसका नाम है JBL C200 SI प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन। ये वायर्ड ईयरफोन भी आप लोगों को 500 के अंदर में ही मिलने वाली है और इस ईयरफोन में भी आप लोगों को सबसे पहले एक्स्ट्रा ईयरटिप्स देखने को मिलने वाला है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो लुक वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम ईयरफोन है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और ये JBL ब्रांड की ईयरफोन है, तो इसकी क्वालिटी का अंदाजा आप इसी तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि JBL अपने ब्रांड के लिए जाना जाता है, उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस वायर्ड ईयरफोन में भी आप लोगों को डिजाइन थोड़ी सी कर्व देखने को मिलने वाली है, जिस वजह से ये आपके कानों में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। अगर आप लोग जिम करते हो, रनिंग पे जाते हो, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आप इस ईयरफोन को अपने लिए परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को बटन के साथ में माइक्रोफोन दी गई है, जिसमें आप लोगों को बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल जाएगा। और नॉइज कैंसिलेशन से क्या होता है, इसके बारे में पहले ही आपको बता ही दिया हूं। टेंगल फ्री वायर देखने को मिलने वाला है, जो कि ड्यूरेबल है, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त दी गई है। गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो अगर आप बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयरफोन को लेना चाहते हो तो आप इस ईयरफोन की तरफ जा सकते हो। बेस के साथ ट्रेवल बहुत ही अच्छी इसमें दी गई है और जैसे कि आप लोगों को पता है JBL अपने साउंड के लिए ही जाना जाता है, इसमें आप लोगों को बेस की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अगर आप लोग म्यूजिक के पर्पज से लेना चाहते हो तो आप इस ईयरफोन की तरफ जा सकते हो और इसकी बेस्ट बैंक लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इसके प्राइस को जान सकते हो, परचेज भी करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड वायर्ड ईयरफोन के बारे में, जिसका नाम है Sony MDR EX155 AP। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपए के बजट में जिस तरीके की इसमें लुक प्रोवाइड की गई है, वो देखने में ऐसा लगता है कि ये ईयरफोन 1000 के अंदर की नहीं बल्कि ये 5000 के अंदर की ईयरफोन है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा अच्छी तो नहीं मिलती है, नॉर्मल से मिल जाती है। इसमें आप लोगों को पूरी की पूरी क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जो इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम बना देता है। साथ ही इसमें आप लोगों को कंट्रोलर देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ इनलाइन माइक्रोफोन दिया गया है। कंफर्टेबलनेस की अगर मैं बात करूं तो ये ईयरफोन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लंबे समय तक आप इस ईयरफोन को इजिली यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है साउंड क्वालिटी। इसमें भी आपको साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, साथ ही इस ईयरफोन को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी ये ईयरफोन बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। अब बात करते हैं अपने लास्ट वायर्ड ईयरफोन के बारे में, जिसका नाम है Samsung EO IC100 BWEGUS। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो लुक बहुत ही प्रीमियम इसमें मिलने वाला है। बात करूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो ये आप लोगों को 2000 के अंदर में पड़ जाएगी, इस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही
क्वालिटी जबरदस्त दी गई है। ईयरफोन के फ्रंट में आप लोग को रबर देखने को मिलने वाला है जो कि इसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। अगर आप लोग इस ईयरफोन को पहन करके सो भी जाते हो तब भी आप लोगों को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, इसी तरीके की इसमें डिजाइन बनाई गई है। माइक्रोफोन इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और इसके साथ में आप लोगों को वॉल्यूम कंट्रोलर और कॉल कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक देखने को मिलने वाला है और अगर मैं इसकी म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो क्लियर साउंड मिल जाएगा, क्लियर वोकल मिल जाएगा सुनने के लिए। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आप लोग इसमें इजीली पकड़ सकते हो और इसमें आप लोगों को बैलेंस्ड बेस भी देखने को मिलने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है म्यूजिक के मामले में। और अगर आप लोग गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये ईयरफोन परफेक्ट होने वाली है। ये थी हमारी टॉप 4 बेस्ट वायर्ड ईयरफोन्स जिसे आप लोग 2000 रुपए तक में बाय कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर से कर।